गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुदीप कुमार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा अनअकेडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकेडमी हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी की तैयारी कराती है। और इस चैनल पे रोजाना हम लोग सुबह 10:30 बजे पढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स, डेली न्यूज। आप लोगों को पता है एक अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज में मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे, और जो एक्सेस होगा वो सॉरी अनलिमिटेड में मिलेगा। अनलिमिटेड में मतलब कि अगर आपने यूपीएससी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो उस कोर्स से संबंधित, जैसे आपने जीएस के प्लस कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो उससे संबंधित सारे यहाँ पे आपको जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसमें आपको सबको एक्सेस मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल में इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और डेली न्यूज़पेपर भी पीडीएफ फॉर्म में मैं इस पे शेयर करता हूँ, जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। और जो ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करिए। यहाँ पे रोजाना शाम को 4 बजे लाइव क्लासेज होती हैं, जिनमें मैं 4 PM पे अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ाता हूँ, संगठन के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 8 PM पे, यहाँ पे मैं आपको 8 PM पे रोजाना 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ। तो जरूर आप लोग इससे जुड़े, और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पूरे हम लोग एडुकेटर की टीम है जो आपको यूपीएससी के लिए पूरा गाइडलाइन करेगी, पूरे हर कदम पे मदद करेगी। ये है आने वाले कोर्सेज अनअकैडमी पे, ये सारे विषय अभी शुरू होने वाले हैं। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो अनअकैडमी का रेगुलर कोर्स होता है, इसमें कंप्लीट कोर्स की तैयारी, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट। इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का, यह 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और 12 महीने का आपका चार्ज हो जाएगा 44,550 रुपए। वहीं आप अगर 24 महीने या 2 साल के लिए प्लान लेते हैं, जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है उनके लिए दो दो ईयर का फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है, उसका फीस है 72,000 रुपए। और कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट इस पे भी होगा, और 64,800 रुपए में आपकी फीस होगी। और जो 36 महीने का यानी 3 साल का जो है वो लेंगे, जो लोग अभी 12th में है या 12th पास आउट हो गए हैं, 90,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 81,000 रुपए। ये प्लान जरूर लें। दूसरा आइकॉनिक, आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स की इसमें तैयारी होती है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पर ध्यान देंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, और पर्सनली फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। तो आइकॉनिक का जो 12 महीने का चार्ज है, ये सारी चीजें और इनके अलावा जो एडिशनल फीचर्स हैं इनको मिला करके 1 ईयर का 69,500, इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे SWADEEP तो 10% डिस्काउंट, और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस होगी 62,550 रुपए। वही 24 महीने 2 साल के लिए, जिनको 2023 में फाउंडेशन देना है, 1,07,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट फीस होगी 96,300। वही 36 महीने का जो लोग लेते हैं 3 साल के लिए 1,41,000, और कोड के इस्तेमाल के बाद फिर 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद फीस होगी 1,26,900। तो आइकॉनिक का है। और ये है ऑप्शनल का, ऑप्शनल का अलग से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 1 महीने भी है। लेकिन 1 महीने में ऑप्शनल कभी कंप्लीट नहीं होता, मिनिमम 6 महीने समय चाहिए ऑप्शनल के लिए, अगर लगातार पढ़ेंगे तो कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद 1 साल का है तो रिवीजन भी हो जाएगा, जिन लोगों को 23 में, जिन लोगों को उसके आगे एग्जाम देना है वो ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो 6 महीने का जो प्लान है वो है 22,500, उस पर भी डिस्काउंट अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10%, तो यानी फीस होगी आपकी 6 महीने की 20,250 रुपए। 12 महीने का, 1 साल का, ऐसा सबसे बढ़िया फाउंडेशन यही होता है, 1 साल का लेना चाहिए कि पूरा रिवीजन, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी पूरा 1 ईयर इसमें लगता ही लगता है पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में।
इसका है 27,500। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 24,750। जो लोग 2 साल के लिए लेंगे वो फीस है 40,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 36,000। और जो लोग 3 साल के लिए लेंगे ऑप्शनल उनका फीस है 50,000। और कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो 10% डिस्काउंट और फीस होगी 45,000 रुपए। ये सारा प्लान है, आप लोग जरूर इससे जुड़े और जल्द से जल्द एडमिशन लें। आप लोगों को पता है अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में, मैंने आपको बताया भी है। ये लाइव टेस्ट सीरीज है, क्या है? लाइव टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी आपके लिए शुरू की है। जो लोग इस बार यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए भी, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं भी देंगे उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? और लाइव है और सबसे खास बात है आप सबके लिए फ्री है, जरूर ज्वाइन करिए। और इसमें जो आप लोगों की रैंक बनेगी, जो आप लोगों की रैंकिंग होगी वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगी, जिस तरीके से यूपीएससी कराती है, ठीक है? करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। मोबाइल ऐप पे जाएंगे तो वहां पे आपको जो सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का, आप इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे तो आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट और यहाँ पे इनरोल करना है। इनरोल करते समय मांगेगा आप लोगों से कोड, तो कोड डाल देंगे, जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, ये कोड डाल देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इस टेस्ट को आप फ्री में दे सकते हैं, ठीक है? 45 मिनट का टोटल टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 13 टेस्ट है, मतलब तकरीबन प्री एग्जाम के पहले 780 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कब? अल्टरनेटिव संडे, संडे संडे को होगा लेकिन हर 14 दिन पे होगा, ठीक है? अल्टरनेटिव संडे 3 जनवरी को होगा सुबह 11 बजे, ध्यान में रखेंगे, उसके बाद फिर 14 दिन के बाद होगा। आप लोगों को पता है कब 6 महीने बचे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, 11 जून को होने वाला है। उसके लिए क्या है कि अब आप लोग तैयारी में एकदम लग जाइए और जुट जाइए अच्छे से। उधर वो जो लाइव फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करिए, और ये अनअकैडमी ने एक बैच अभी 28 तारीख से शुरू किया, इसको ज्वाइन करिए। प्रीलिम्स स्पेशल है 2021 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको इस बार एग्जाम देना उनके लिए बहुत ही बेहतर और ये बैच है। और दोनों पेपर इसमें आपको प्रीलिम्स के कवर कराए जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर होगा, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन भी आपको इसमें कराया जाएगा। तो ये सारा प्लान है, जरूर ध्यान में रखिए, इसको जरूर ज्वाइन करिए। और इसके लिए 6 महीने का हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 1 ईयर का भी फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, और 2 ईयर का भी फाउंडेशन बैच शुरू हुआ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। कोड हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस भी बैच में एडमिशन लेंगे तो कोड है स्वदीप, एक कोड डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है ना? ये है आइकॉनिक, जो अभी मैंने आपको आइकॉनिक के बारे में पीछे बताया था, इसका भी आने वाले समय में प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप लोग इसको जल्द से जल्द अपग्रेड करिए। जिसको आइकॉनिक का लेना हो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पर ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह का इवैल्यूएशन करेंगे, पूरे स्टडी प्लान पे आपके ध्यान देंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, डेली कंटेंट पे आपके पूरा ध्यान देंगे। तो जिन लोगों को पर्सनल कोच के साथ पढ़ना है जल्द से जल्द आइकॉनिक ज्वाइन करें, नहीं तो इसका भी अब प्राइस आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और इसमें भी ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड है स्वदीप जरूर डालेंगे तो आपको इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? एक और ऑफर है अनअकैडमी का, दिसंबर 2020 तक, मतलब 31 दिसंबर तक है, उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। कॉम्बो ऑफर है, क्योंकि आपको पता है कि जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल का दोनों का फीस जोड़ेंगे तो एक साल का फीस 77,000 रुपए है, लेकिन अनअकैडमी इसमें डिस्काउंट करके आपको ऑलरेडी 31 दिसंबर तक के लिए दोनों का 70,153 में दे रही है। वहीं अगर जीएस आइकॉनिक और ऑप्शनल का ले लेते हैं, दोनों का फीस अगर जोड़ेंगे एक साल के लिए तो 97,000 रुपए है, लेकिन अनअकैडमी ऑलरेडी डिस्काउंट करके आपको 88,705 रुपए में दे रही है। इसमें 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको और में मिलेगा अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, कोड है 70,153 में भी 10% डिस्काउंट और 88,705 में भी 10% डिस्काउंट अलग से में मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने, जिनको एग्जाम देना है, जिनको एक साल के लिए 2 साल के लिए पढ़ना है, आराम से ये सब्सक्रिप्शन लेने, एक साल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कम फीस में हो जाएगा, नहीं तो फीस बढ़ेगी तो फिर ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज, तो ये सब बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए। जल्द से जल्द इसमें आप लोग एडमिशन ले लें, एडमिशन के समय इस कोड का ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है? ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं रोजाना सुबह 10:30 बजे से, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहां से जहां से भी मैटर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं। और पर डे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कुछ रोज की खबरें,
इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदी में, और राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी का डिबेट है हिंदी में, जिस दिन भी आता है उसका इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आता हूँ, और एक क्लास रोजाना होती है। आज हम लोग डेली न्यूज में क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, आज हम लोग चार टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है हमारा सुनील कोठारी के बारे में, इनके बारे में जानेंगे क्यों चर्चा में है। दूसरा है भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो अब शुरू हो गई है, अभी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तीसरा हम लोग देखेंगे तानसेन समारोह के बारे में, और चौथा झटपट प्रोसेसिंग पहल क्या है। चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग जरूर ध्यान से देखेंगे इसको। उसके बाद जो मैं आप लोगों को आज एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लेकर के आया हूँ हिंदी में, और चार एडिटोरियल हैं। पहला है सुशासन दिवस के बारे में, आप लोगों को पता ही है द हिंदू का आर्टिकल है, गवर्नेंस का मुद्दा है, सुशासन शासन, और आप लोगों को पता है सुशासन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को क्यों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जयंती है, इसी वजह से इनका जन्मदिन है, इसी वजह से उसी दिन मनाया जाता है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल आया है, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे BBX11 जीन के बारे में, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, क्या है ये जीन, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी आर्टिकल द हिंदू का है। तीसरा है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल अभियान, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो सड़क पे लगाते हैं ठेले वगैरह, जो भी वेंडर्स होते हैं उनके लिए मैं भी डिजिटल अभियान, गवर्नेंस का मुद्दा है, सोर्स है इसका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और चौथा है हमारा नैनो तकनीक एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, और द हिंदू का आर्टिकल है। तो यार चार आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे आज, राज्यसभा लोकसभा टीवी का डिबेट नहीं है, तो वो जब लेटेस्ट आएगा तो उसको भी पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे एक एक करके क्या कह रहा है ध्यान से देखते हुए। चलिए पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सुनील कोठारी, इनके बारे में। सुनील कोठारी जो है अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है, ये प्रख्यात नृत्य इतिहासकार थे, ठीक है ना, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 87 वर्ष की उम्र में। तो ध्यान से देखिए उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं और क्या कह रहा है। इनका नाम है सुनील कोठारी, आप यहाँ पे इमेज में इनको देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है अभी हाल ही में। क्या कह रहा है इनके बारे में ध्यान से पढ़िए, कि उन्हें वर्ष 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इनको 2001 में पद्मश्री भी मिल चुका है, और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें ले लिखी हैं, ये शास्त्रीय नृत्य पे 20 पुस्तकें, और भरतनाट्यम कथक तथा मणिपुरी नृत्य रूपों पर विस्तार से इन्होंने ले लिखा है। ये प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार है नृत्य के बारे में, और बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको अभी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम कथक इन सब नृत्यों के बारे में 20 पुस्तकें लिखी हैं, और सबके बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। सत्रिया एक असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का शास्त्रीय नृत्य पर उनके विद्वतापूर्ण कार्य ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नृत्य की बेहतर समझ विकसित करने में मदद की है। जो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, इस पर भी इन्होंने कार्य किया है, और इनके अन्य उल्लेखनीय योगदानों में भारतीय नृत्य में नई दिशाएं और कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला भी शामिल है। आप लोगों को पता है जब मैं यूट्यूब पे एक बजे से आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को भारतीय नृत्य के बारे में पढ़ाया था पूरा डिटेल से, कि भारतीय नृत्य की उत्पत्ति क्या है, कैसे, और कल्चर में हमने पढ़ा था तो कब से चला आ रहा है, और उसके कौन कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं, इन सब के बारे में, और कौन कहाँ का खास है, और कौन कौन उसके प्रमुख विद्वान है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। जो लोग अगर मेरी कल्चर की क्लास नहीं कर पाए होंगे तो यूट्यूब पे जाके अगर मेरा नाम सर्च करेंगे स्वदीप कुमार, तो सारा मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप लोग वहां से सर्च करके उस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी के सदस्य के रूप में भी चुना गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको सुनील कोठारी को संगीत नाटक अकादमी जो है उसके सदस्य के रूप में भी ये चुने गए थे। अब जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रख्यात विद्वान थे, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लीजिए क्या कह रहा है, कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू हैं, पहला तांडव जिसको चाल और लय कहते हैं, और दूसरा है लास्य जिसको अनुग्रह भाव और रस कहा जाता है, और उनमें से तीन मुख्य घटक हैं, कौन सा,
नाट्य यानी नृत्य का नाटकीय तत्व यानी पात्रों की नकल करना। मान लीजिए जैसे कि महाभारत है, महाभारत एक नाटक है, महाभारत रामायण इन सब के नाटक किए जाते हैं, आप लोगों को ये पता ही होगा। तो जो भी महाभारत के किरदार हैं या जो भी रामायण के किरदार हैं उनका ये जो नाटक में क्या होता है, इसमें नृत्य के जरिए उन जो पात्र होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी नकल की जाती है, ठीक है। और नृत्य क्या होता है कि उनके मूल रूप में नृत्य की गतिविधियां होती हैं। और नृत्य क्या है कि कलात्मक अभिव्यक्ति विषय घटक यानी मुद्राएं या हाव भाव हाथ के द्वारा, मुंह के द्वारा हाव भाव प्रकट करके जो किया जाता है वो है नृत्य। और इसमें नौ रस हैं, कौन कौन सा, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बिभत्स, अद्भुत और शांत रस है। नौ रस इसमें पाए जाते हैं, सभी प्रकार के रस नृत्य में पाए जाते हैं, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र नृत्यों की विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है, जो भरत मुनि ने लिखा था। अब भारत में आठ शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का। और इन सब के बारे में मैंने अपने कल्चर वाली क्लास में पढ़ाया है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जो आठ है ये प्रमुख है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम और मणिपुरी मणिपुर का। और समकालीन शास्त्रीय नृत्य रूप 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक किए गए संगीत नाट्य या नाटक से भी विकसित हुए हैं। तीन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अभी ये संगीत नाटक अकादमी के सदस्य के रूप में भी रहे हैं सुनील कोठारी, तो एक बार संगीत नाटक अकादमी के बारे में देख लीजिए। संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है और नृत्य और नाटक दोनों की पहली अकादमी है, नेशनल अकादमी, जरूर ध्यान में रखेंगे। इसका गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, जो पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत था, के एक प्रस्ताव के द्वारा 1952 में किया गया था, उस समय जो शिक्षा मंत्रालय था वो, तथा इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे संगीत नाटक अकादमी के। और वर्तमान में यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है और अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए इसे पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी किसके पास, सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है और गवर्नमेंट इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और यह कला प्रदर्शन के क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना करती है और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की देखरेख करती है। और इसके द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख संस्थान और परियोजनाएं निम्नलिखित है। और संगीत नाटक अकादमी जो है वो कला के क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना और उनके देखरेख की सारी जिम्मेदारी इसी पे है। और इसी के तहत जो कुछ परियोजनाएं स्थापित हुई है ये है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो नई दिल्ली में है, वह 1959 में स्थापित की गई थी। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इम्फाल वर्ष 1954 में स्थापित इसके द्वारा किया गया था। कथक केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस नई दिल्ली वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। और केरल के प्राचीन संस्कृत थिएटर कुट्टियम और पूर्वी भारत का छऊ नृत्य और असम के सत्रिया नृत्य को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय परियोजनाओं का इसमें समर्थन भी किया गया था। तो इन सारी चीजों को आप लोग देखेंगे। आज का हमारा अगला टॉपिक है कि भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। भारत में नई दिल्ली में एक, आपको पता ही है कि मेट्रो का आधुनिकीकरण जो भी हुआ ये नई दिल्ली में हुआ, क्योंकि मेट्रो तो मान लीजिए सबसे पहले भारत में कोलकाता में चल रही थी, लेकिन भारत में मेट्रो जब आई, सॉरी जब दिल्ली में आया तब ये बहुत ही आधुनिक तरीके से, और जापान से आया है हमारे देश में मेट्रो और अद्भुत टेक्नोलॉजी और इन सब सारी चीजों के द्वारा। तो और दिल्ली के बारे में आपको पता है कि दिल्ली के लिए सबसे खास है मेट्रो, ये तो पहले ट्रैफिक के मारे हालत खराब हो जाती थी, अभी भी ट्रैफिक है, लेकिन मेट्रो के होने से बहुत सारी चीजें कवर हुई हैं और बहुत ही जल्दी कम समय में लोग दिल्ली और दिल्ली एनसीआर जो रीजन है, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा वगैरह एरिया, इन सभी एरियाओं तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। तो अभी क्या है कि मेट्रो तो चलती ही थी, ड्राइवर थे पहले, अब क्या है कि अभी एक नया उद्घाटन हुआ है 28 तारीख को,
जिसमें अब ड्राइवर रहित, इसमें बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी और इसका उद्घाटन हो गया है। क्या? ध्यान से देखिए, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कल ही हुआ है मतलब परसों, राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है, मेट्रो रेल का, कहां पे? नई दिल्ली में। और देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो ट्रेन का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8, ठीक है, लाइन 8 को वहां पे मैजेंटा लाइन कहा जाता है। वहां पे येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, मैजेंटा लाइन, हर कलर की लाइनें हैं, उस लाइन से डिवाइड किया गया है, इस एरिया के लिए है, उस कलर के हिसाब से मेट्रो डिसाइड है। तो ये जो 38 किलोमीटर लंबी ये लाइन है, मैजेंटा लाइन, इस पे शुरू किया गया है, इस ड्राइवर रहित को 38 किलोमीटर के एरिया में चलेगी। और इस नई प्रणाली के तहत मेट्रो रेल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के 3 कमांड सेंटरों के बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए 3 कमांड सेंटर बने हैं इसको नियंत्रित करने के लिए। इस पे कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और ये यही कमांड सेंटर के द्वारा ही इनको नियंत्रित किया जाएगा। और इसके तहत मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल रेल हार्डवेयर को बदलने के समय ही होगी। जब रेल हार्डवेयर मतलब कोई पार्ट वगैरह जब बदलना होगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये पूर्ण रूप से मानवीय हस्तक्षेप के बिना चलेगी। और क्या कह रहा है इसमें, दिल्ली मेट्रो जो कि मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, सबसे बड़ी देश की, ने 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30,000 स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। और दिल्ली मेट्रो का काम कब शुरू हुआ था? सबसे पहले दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को शुरू किया गया था। कहां से? शाहदरा से, शाहदरा से 30,000, 30,000 के बीच सबसे पहले शुरू किया गया था। और वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के पास राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे, ये देखिए यही है NCR रेंज, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ में 390 किलोमीटर पूरा लंबा नेटवर्क है दिल्ली मेट्रो का, ठीक है, पूरा NCR रेंज कवर करता है। और नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। और यद्यपि वर्ष 2002 के बाद से दिल्ली मेट्रो ने रेल संचालन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, किंतु हालिया ड्राइवर रहित मेट्रो तकनीक के क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो का सबसे नवीनतम और आधुनिक प्रयास है, और ये बहुत ही बेहतर प्रयास है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा तानसेन समारोह। अभी ये आयोजित किया गया है तानसेन समारोह, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 26 दिसंबर से चल रहा था, 5 दिन का है, 26 से लेके 31 तक चलेगा, 5 दिन। तो ध्यान से देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 26 दिसंबर 2020 को 5 दिवसीय बहुप्रतीक्षित तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 26 दिसंबर को हुआ है, 5 दिन का यानी 31 तक चलेगा, ध्यान में रखेंगे। और उद्घाटन के दौरान बहुचर्चित संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से इसमें नवाजा गया है। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि किसको नवाजा गया है तानसेन सम्मान से, संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को, संतूर बजाते हैं। और प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी इस दिन ग्वालियर पहुंचते हैं, और ये प्रत्येक वर्ष आयोजन इसका किया जाता है ग्वालियर में, ठीक है ना, वो भी दिसंबर महीने में, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, ये सब ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि मियां तानसेन या राम तनु मिश्रा एक प्रमुख भारतीय संगीतकार, इनका नाम राम तनु मिश्रा था, इनको तानसेन कहा जाता था। मियां तानसेन या राम तनु मिश्रा एक प्रमुख भारतीय संगीतकार, गायक और संगीत रचयिता थे, जिन्हें उनकी अद्भुत संगीत रचनाओं और संगीत कौशल के लिए जाना जाता है, और साथ ही वे वाद्य संगीत रचनाओं के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। रामतनु मिश्रा को तानसेन का शीर्षक ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने दिया था। ज्ञात हो कि तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, और अकबर ने ही उन्हें सम्मान के तौर पर मियाँ की उपाधि दी थी।
और उन्हें भगवान गणेश, शिव, पार्वती और राम पर कई ध्रुपदों की भी रचना की। आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मियाँ तानसेन मतलब ये मुस्लिम नहीं हिंदू थे, रामतनु मिश्रा इनका नाम था, लेकिन तानसेन की उपाधि इनको ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने दी थी और मियाँ इनको बादशाह अकबर के कहते थे क्योंकि बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है झटपट प्रोसेसिंग पहल के बारे में कि क्यों है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बारे में इसमें कह रहा है आईटीआर के चक्कर में, तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए क्या है ध्यान से पढ़िए। झटपट प्रोसेसिंग पहल क्या कह रहा है देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि को देखते हुए आयकर विभाग ने त्वरित आईटीआर प्रसंस्करण के लिए झटपट प्रोसेसिंग पहल की शुरुआत की है। और झटपट प्रोसेसिंग पहल करदाताओं को सहज तरीके से कर रिटर्न दाखिल करने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, क्या है ये झटपट प्रोसेसिंग पहल, आयकर जो भी इनकम टैक्स भरेंगे उनकी अंतिम तिथि को देखते हुए आयकर विभाग ने आईटीआर के लिए झटपट प्रोसेसिंग पहल, इसका नाम ही है झटपट प्रोसेसिंग पहल, इसकी शुरुआत की है। और ये क्या है कि जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, जो करदाता है, उनको कर रिटर्न दाखिल करने में इससे बहुत ही सहायता मिलेगी। ज्ञात हो कि सामान्य परिस्थितियों में करदाताओं को 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होता है, 31 जुलाई तक। हालांकि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने मई माह में आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी, जिसके बाद इसे 31 दिसंबर तक और भी बढ़ा दिया गया था, अभी 2-3 दिन बचा हुआ है। वहीं उन करदाताओं जिनके खातों को ऑडिट किए जाने की आवश्यकता है के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तय की गई है। और आयकर विभाग की माने तो 24 दिसंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 3.97 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब हम अपना आज का पहला आर्टिकल पढ़ेंगे जो मैंने आप लोगों से बताया था सुशासन दिवस के बारे में। सुशासन दिवस मनाया जाता है, द हिंदू का आर्टिकल है और गवर्नेंस का मुद्दा है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी जी का जन्म दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में इस दिन मनाया जाता है। तो क्यों है चर्चा में, ध्यान से पढ़िए, चर्चा में इसलिए अभी 25 तारीख उनका जन्मदिन था इसी वजह से चर्चा में है, ये आर्टिकल आया है अभी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है कि भारत के नागरिकों को यह बताना है कि सरकार के आपके लिए क्या क्या जवाबदेही है, क्या क्या कार्य आपके लिए सरकार करेगी, यही है सुशासन का मतलब। क्या है शासन, पहले यह समझिए, यह निर्णय लेने तथा इन निर्णयों के कार्यान्वयन की एक प्रक्रिया है। किसी भी कार्य के लिए निर्णय लेने और वह निर्णय कैसे कार्य करेगा उसकी एक प्रक्रिया को ही शासन कहते हैं। और शासन शब्द का उपयोग कई संदर्भों में किया जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। और सुशासन जो है उसके 8 लक्षण है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्णित, यूनाइटेड नेशन ने बताया है इसमें 8 लक्षण है सुशासन के। कौन कौन से, पहला है भागीदारी। भागीदारी में क्या होता है ध्यान से देखिए, भागीदारी में कि लोगों द्वारा सीधे या वैध मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से भागीदारी जो कि इनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि लोग या तो सीधे या तो जो मध्यवर्ती संस्थान है उनके भागीदारी के द्वारा अपने हितों को जानने के लिए। ठीक, दूसरा है और इसी में निर्णय लेने में लोगों को स्वतंत्र करता है होना चाहिए भागीदारी के माध्यम से। दूसरा है विधि का शासन, इसके द्वारा कि कानूनी ढांचा विशेष रूप से मानव अधिकारों से संबंधित कानून सभी पर निष्पक्ष रूप से लागू होना चाहिए। देश सुशासन के 8 जो ढांचे हैं जो यूनाइटेड नेशन ने बताया है, वो पहला भागीदारी, दूसरा विधि का शासन, तीसरा है पारदर्शिता। क्या कह रहा है कि सूचना के मुक्त प्रवाह को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है कि जो भी सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, ताकि प्रक्रियाओं, संस्थाओं और सूचनाओं तक लोगों की सीधी पहुंच हो और उन्हें इनको समझने और निगरानी करने के लिए पर्याप्त जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए, जवाबदेही भी है इसके अंदर।
जवाबदेही में है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं द्वारा सभी हितधारकों को एक उचित समय सीमा के भीतर सेवा सुलभ कराने जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आम सहमति भी है कि सुशासन के लिए समाज में विभिन्न हितों को लेकर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, ताकि समाज में व्यापक सहमति बन सके। यह पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में है, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सब सुशासन के महत्व है। इक्विटी है अगला। इक्विटी का मतलब है कि सभी समूहों, विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति में सुधार करने के बजाय सुधार करने और उसको बनाए रखने का अवसर हमेशा दिया जाना चाहिए, जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं। अगला है प्रभावशीलता और दक्षता। ये बोल्ड करना मैं भूल गया था। इसमें क्या है कि संसाधन और संस्थान उन परिणामों को सुनिश्चित करते हैं जो संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए जरूरतों को पूरा कर सके। और जवाबदेही कि सरकार में निर्णय लेने वाले निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता के साथ साथ संस्थागत हितधारकों के प्रति भी जवाबदेह होते हैं। अगला है महिला सशक्तिकरण में कमी। सरकारी संस्थानों और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं। अगला है भ्रष्टाचार। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि भारत में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता के सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है। भ्रष्टाचार है इसी वजह से, और एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन कई कारक हैं जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता है। और इस तरह के एक कारक के रूप में न्यायालयों में कर्मी और संबंधित सामग्री की कमी है। ये सब भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण। निचले स्तर पर सरकारें केवल तभी कुशलता से कार्य कर सकती हैं जब वो ऐसा करने के लिए सशक्त हों, और यह विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रासंगिक है जो वर्तमान में निधियों की अपर्याप्तता के साथ साथ संवैधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है। और राजनीतिक प्रक्रिया का प्राधिकरण और राजनेताओं, सिविल सेवकों तथा व्यवसायिक घरानों के बीच साठगांठ सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन पर बुरा प्रभाव भी डाल रहा है। इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी है, इसके लिए इसके बारे में जान लीजिए कि GGI गुड गवर्नेंस इंडेक्स को देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और यह राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है। अगर सुशासन पर निबंध आया तो आप इन सब पॉइंट को डाल करके ये सब पॉइंट इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये भी है। इसका उद्देश्य आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए समान सेवा वितरण आउटलेट्स के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। तो ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। और इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम भी बना है 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। यह शासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है, और इसके लिए अन्य पहल भी है जैसे नीति आयोग की स्थापना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, लोकपाल आदि, ध्यान में रखेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। आपको पता भी होगा, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, जो अभी मध्य प्रदेश में है। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया था। और वर्ष 1947 में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों के लिए एक पत्रकार के रूप में राष्ट्रधर्म, एक हिंदी मासिक, पांच जन, एक हिंदी साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश और वीर अर्जुन में काम करना शुरू किया था 1947 के दौर में। और बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर वाजपेयी जी वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए, और वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और वर्ष 1996 और 99 में दो बार इस पद के लिए चुने गए। और एक सांसद के रूप में वाजपेयी जी को वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो उन्हें सभी सांसदों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में परिभाषित भी करता है। तो ये सब इनके बारे में जानना जरूरी है। और उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से, और वर्ष 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये द हिंदू का आर्टिकल था, जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है BBX11 जीन के बारे में। क्या कह रहा है, क्या है ये जीन, क्यों चर्चा में है, इसके बारे में ध्यान से देखिए। BBX जीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा है,
और ये भी आर्टिकल द हिंदू का ही है। तो ध्यान से देखिए क्या है कि हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, ठीक है, IISER ने BBX11 जीन को मान्यता दी है जो फसलों को हरा बनाए रखने में मदद करता है। ये जो जीन है BBX11, एक जो जीन है ये क्या करता है, जो फसल होते हैं उनको हरा बनाए रखने में मदद करता है, और इसको अभी मान्यता दी है हमारे IISER ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने। अभी जीन के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है BBX11 जीन के बारे में, कि शोधकर्ताओं ने एक ऐसे तंत्र की खोज की है जहां सम्मुख स्थिति में दो प्रोटीन BBX11 जीन की अनुकूलतम सीमा को बनाए रखने के लिए इसे विनियमित करते हैं। इसमें दो प्रोटीन होते हैं जो इसकी सीमा को बनाए रखते हैं, और BBX11 जीन पौधों द्वारा संश्लेषित प्रोटोक्लोरीफाइड की मात्रा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब संश्लेषण विधि जब होती है पौधों में, तो जो प्रोटोक्लोरीफाइड होता है उसकी मात्रा को विनियमन करने में, बनाए रखने में, और प्रोटोक्लोरीफाइड क्लोरोफिल के संस्करण में एक मध्यवर्ती का काम भी करता है जब प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधों में होता है तब। और पौधों में इस जीन की मात्रा कम होने से सूर्य का प्रकाश आसानी से हरे रंग में परिवर्तित नहीं हो पाता, और प्रोटोक्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने पर पौधों में प्रकाश विरंजन की घटना देखने को मिलती है। प्रकाश विरंजन की घटना एक वर्णक के कारण होने वाली रंग की हानि, इस वजह से रंग का नुकसान होता है। और प्रोटोक्लोरीफाइड संश्लेषित की मात्रा को क्लोरीन में बदलने के लिए उपलब्ध विभिन्न एंजाइमों का अनुपातिक होना आवश्यक है, और पौधों द्वारा संश्लेषित प्रोटोक्लोरीफाइड की मात्रा को विनियमित किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। अभी क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत ही बचपन में पढ़ाया जाता था साइंस में। क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित एक हरा वर्णक होता है, और यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने में करता है। और पौधों में क्लोरोफिल का संश्लेषण एक लंबी और कई चरणों वाली प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब बीज अंकुरित होकर मिट्टी से बाहर निकलता है तो वृद्धि व विकास हेतु वह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है, और अंधेरे में क्लोरोफिल के त्वरित संश्लेषण को सरल बनाने के लिए पौधे क्लोरोफिल पर दबाव डालते हैं जिससे प्रोटोक्लोरीफाइड नाम से जाना जाता है, और नीले प्रकाश में यह लाल दिखाई देता है। और जैसा कि पौधा मिट्टी के बाहर प्रकाश में आता है, वैसे ही प्रकाश निर्भर एंजाइम प्रोटोक्लोरीफाइड को क्लोरोफिल में बदल देते हैं। इसका निहितार्थ क्या है कि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में कृषि के लिए यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप प्रायः बदलते मौसमी परिस्थितियों में पौधों की प्रगति के अनुकूलन के वर्तमान परिणामों में सहायता मिल सकती है। और भारत के कई राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में तेजी से बदलती मौसम परिस्थितियों के कारण फसलों को काफी नुकसान होता है, और यह नुकसान कई बार किसान समुदाय के लिए गंभीर संकट पैदा करता है। और फसल के नष्ट होने के प्रमुख कारण इन कारणों में जैसे गंभीर सूखा, अधिक तापमान और तेज प्रकाश का होना शामिल है। सारे चीजें कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे, इसलिए ये यहाँ पे दिया गया, इसलिए इस तरीके से देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कौन? यानी पौधे और कुछ अन्य जीव। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं यानी खींचते हैं, और इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कई खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्ध कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधे होते हैं वो सनलाइट से इसको अवशोषित करते हैं, और इसके द्वारा वो पानी में और या मनुष्यों को ऑक्सीजन और ये सब चीजों में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीजों की जरूरत, उसमें परिवर्तित करते हैं। आप देख सकते हैं CO2 प्लस 2H2O लाइट ग्रीन प्लांट्स में, जिससे CH2O ऑक्सीजन और H2O ये बनता है, ध्यान में रखेंगे। और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न आंतरिक पौधों के बाह्य कारक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला भी है। और क्या कह रहे हैं कि आंतरिक कारकों में पत्तियों की संख्या, आकार और आयु, अभिविन्यास,
परमध्यक कोशिकाएं आंतरिक भाग में CO2 का संकेतन और क्लोरोफिल की मात्रा आदि प्रमुख है, और बाह्य कारकों में प्रमुखता सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, तापमान, CO2 का संकेंद्रण और जल शामिल है। उदाहरण के लिए, एक हरा पत्ता इष्टतम प्रकाश और CO2 की उपस्थिति के बावजूद तापमान के बहुत कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है। तो इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सारा कुछ आप इसी के कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेंगे। इसके महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, BBX11 जीन का, कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में प्रकाश संश्लेषण के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकाश संश्लेषण का महत्व है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाने से पृथ्वी पर भोजन या अन्य कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, अधिकांश जीव विलुप्त हो जाएंगे और समय के साथ पृथ्वी के वातावरण से गैसीय ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो जाएगा अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर दें। पौधों द्वारा लाखों वर्ष पूर्व से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस की उपलब्धता संभव हुई है, जो वर्तमान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये ऊर्जा भी पौधों के द्वारा ही होती है, तो इसीलिए पौधों, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, उनका विनाश नहीं करना चाहिए। ये भी हिंदू का आर्टिकल था, आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक पहल की शुरुआत हुई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो सड़क पे वेंडर्स होते हैं, जो अपना छोटा छोटा दुकान वगैरह लगाते हैं स्ट्रीट में वेंडर्स, उनके लिए मैं भी डिजिटल एक अभियान की शुरुआत की गई है। क्या है, कौन शुरुआत की किया, इसके बारे में देखिए कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MoHUA द्वारा जल्द ही स्ट्रीट वेंडर, सड़कों के जो विक्रेता हैं, उनके लिए मैं भी डिजिटल अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि उन्हें डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, और यह अभियान कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PMSVA निधि, अर्थात PM स्वनिधि योजना की सफलता से प्रेरित है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना भी शुरू की थी, उसी के तहत है अब इनको भी एक डिजिटल, मैं भी डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। क्या है मैं भी डिजिटल अभियान, इसके बारे में भी पढ़िए। इस अभियान के हिस्से के रूप में 4 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 के बीच देश भर में 10 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स, जिन्होंने PM स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया है, को डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग प्रशिक्षित किया जाएगा। कब से, 4 जनवरी से 2021, 22 जनवरी 2021 तक। और किनको, जिन लोगों ने PM स्वनिधि से ऋण प्राप्त किया है उनको डिजिटल भुगतान के लिए। और इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल डिजिटल माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा, बल्कि इसके तहत उन्हें एक विशिष्ट QR कोड का उपयोग करके थोक विक्रेताओं से खरीदी जाने वाली सामग्री के लिए भुगतान करना भी सिखाया जाएगा। उनको क्या है, जो भी लोग हैं इसमें, जो वेंडर्स हैं, उनको कैसे डिजिटल लेन देन किया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, कि वो अपना सामान बेचे तो कैसे डिजिटल पैसा लें, या अगर वो कोई सामान खरीदते हैं तो कैसे उसका पेमेंट करें। तो ये सारी चीजें इनको इसमें सिखाई जाएगी। और विक्रेताओं के फोन में लेन देन के लिए आवश्यक एप्लीकेशन मौजूद होंगे इसके लिए, और उन्हें सुरक्षित भुगतान के लिए इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और PM स्वनिधि योजना क्या है ये पढ़ लीजिए, इसी के तहत सारी बात है। यह जून 2020 में शुरू की गई केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत छोटे विक्रेता और स्ट्रीट वेंडर्स अपने व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने के लिए कार्यशील पूंजी के तौर पर 10,000 रुपए के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेट्रेल की आवश्यकता नहीं होगी, और आंकड़ों की माने तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले केवल 20% छोटे दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में अभी सक्षम है। इसीलिए सबको सिखाने के लिए मैं भी डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है। भारत में स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में देख लीजिए क्या कह रहा है, कि नियमों के अनुसार जिन लोगों के पास अस्थायी दुकान नहीं है उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स माना जाता है, जो लोग ठेले पे लगाते हैं या छोटा सा ऐसे दो दुकान खोल लेते हैं, जिनका पर डे खोलना, पर डे बंद करना, पर डे दुकान लगाना पड़ता है, कोई स्थायी दुकान नहीं है। और सरकारी अनुमानों के अनुसार देश भर में कुल गैर कृषि शहरी अनौपचारिक रोजगार में से तकरीबन 14% लोग स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं, जो लोग कृषि में शामिल नहीं है उनको हटा करके। और भारत में अनुमानित 50 से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनमें से सबसे अधिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में मौजूद हैं।
अब इनके लिए समस्याएं क्या हैं, ये देखिए कि कई शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स को जारी किए जाने वाले लाइसेंस के लिए अधिकतम सीमा पूर्णतः अवास्तविक है। उदाहरण के लिए मुंबई में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अधिकतम लाइसेंस सीमा मात्र 15,000 है, जबकि वहां अनुमानतः 2.5 लाख वेंडर मौजूद हैं। इसका अर्थ यह है कि इन क्षेत्रों में अधिकांश विक्रेता अवैध रूप से कार्य करते हैं और इसके कारण वे स्थानीय पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों के शोषण और जबरन वसूली के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये सब आंकड़े हैं। और कई बार स्थानीय निकाय फुटपाथ को खाली कराने और स्ट्रीट वेंडर्स का सामान जब्त करने के लिए अभियान चलाते हैं और अवैध होने के कारण उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स के संगठन भी हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, यह सदस्यता आधारित संगठन है जो भारत के लगभग सभी हिस्सों से 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का प्रतिनिधित्व करता है। आप देखें क्या है, 10 लाख, ये ध्यान में रखेंगे। और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन है दूसरा, यह देश के 28 राज्यों में स्ट्रीट वेंडर्स का संघ है, जिसमें 1,188 यूनियन और जिनमें से 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन भी शामिल हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अन्य पहले भी हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014। इस अधिनियम को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को विनियमित करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। और यह अधिनियम स्ट्रीट वेंडर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र पर किसी अस्थायी जगह पर बने ढांचे से जगह जगह घूमकर आम जनता के लिए रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की पेशकश करता है। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और स्ट्रीट वेंडर्स को निम्नलिखित योजनाओं के दायरे में लाने के लिए सरकार ने अपनी तरह का पहला सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी किया है। क्या? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सब योजनाओं में लाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इन सब योजनाओं के अंतर्गत लाने के लिए सरकार पहल कर रही है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, किंतु इसके बावजूद इन योजनाओं के कार्यान्वयन, पहचान, जागरूकता और पहुंच से संबंधित विभिन्न चरणों में अंतराल देखा जा रहा है, जिन्हें समयबद्ध ढंग से दूर किया जाना आवश्यक है। और इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को मातृत्व भत्ता, दुर्घटना राहत, उच्च शिक्षा हेतु वेंडर के बच्चों को सहायता और किसी भी संकट के दौरान पेंशन जैसे लाभ भी प्रदान किए जाने चाहिए। ये सारे पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है नैनो तकनीक एवं स्वास्थ्य। इसके बारे में क्या कह रहा है, क्यों चर्चा में है नैनो तकनीक एवं स्वास्थ्य, इसके बारे में देखिएगा। जरा 1 सेकंड का समय दीजिए, मुझे एक चीज देखना है, जरा एडिट है क्या कुछ। इसमें एक स्लाइड मिसिंग है, इसलिए इसमें एक स्लाइड में मिसिंग है। मिसिंग ये हो गया कि नैनो तकनीक एवं स्वास्थ्य चर्चा में क्यों है। ये मैं यहाँ पे संगठन से बात आ गई है, संगठन के बारे में नैनो मिल्स के। इसमें पहला है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नैनो मिल्स, ठीक है, बनाया है, जिसका उपयोग स्तन, वृहदांत और फेफड़ों में कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने ऐसी एक तकनीक बनाई है, वो मिसिंग है, उसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और बहुत प्रकार के कैंसर के इलाज में प्रभावी होगा। और नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो टेक वह तकनीक है इसके लिए, जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपर मॉलिकुलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें से 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड, तो उसी के लिए नैनो मिल्स एक संगठन है। क्या है नैनो मिल्स, क्या होता है, ऐसे एक एक करके देखते हुए चलिए।
कि नैनो मिल्स का निर्माण तब होता है जब एम्फीफिलिक अणु स्वयं को एक गोलाकार संरचना बनाने के लिए एकत्रित करते हैं, और यह संरचना केवल 5 से 100 नैनोमीटर व्यास का होता है, नैनो मिसल्स व्यास का। ठीक है, इसका एक्चुअली शुरू का टॉपिक छूट गया है, आप एक काम करिएगा इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ लीजिए, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, इसका शुरू का छूट गया तो आपको भी ये उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं भी इसको चेक करा के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सब नैनो टेक्निक के उसके लिए है, कैंसर वगैरह और सब भी इलाज के लिए एक तरीका है, तो ये आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा क्या है कैसे, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जो भी होगा सही से इसको चेक करके। ठीक है ना, उसके लिए कौन कौन से मिशन है, क्या क्या चीजें हैं, ये भी हिंदू का आर्टिकल था, ध्यान में रखिएगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इनको फॉलो कर लेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वो जो एक मिस हो गया इसको मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। कल फिर मिलेंगे हम लोग 10:30 बजे अपने अगले क्लास के साथ, और अभी 1 बजे अभी यूट्यूब पर ही मिलेंगे हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी की क्लास के साथ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।